एक तरफ जहां देश में 15 अगस्त को आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं उत्तराखंड राज्य के जनपद हरिद्वार की भवानपुर तहसील रुड़की के हजारा टोंगिया गांव आज भी आजादी का जश्न देखने को तरस रहा है। दरअसल भारत के आजाद होने के इतने सालों बाद आज भी ये गांव कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में हर वर्ग को किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही यहाँ के रहवासियों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं हजारा टोंगिया गांव की कुछ तस्वीरें, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ग्रामीण बिना किसी सुविधा के अपनी जिंदगी कैसे जीने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं भगवानपुर तहसील के हजारा टोंगिया गांव की, जहां आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश होते ही नदी का पानी गांव को बंधक बना लेता है। इसके अलावा ग्रामीणों के न घर में शौचालय की व्यवस्था है, न ही गांव में शौचालय है। वहीं कोई मरीज हो तो उसे भी अस्पताल तक पहुंचाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल कोसों दूर है। साथ ही एम्बुलेंस को बुलाया जाए तो सड़कें भी खस्ता हाल हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण रास्तों से गुजरते भी हैं तो कच्चे रोड होने के कारण कई तरह के जीवों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं थोड़ी दूरी पर पहुंचा जाए तो जंगली जानवर मिलने का भी खौफ ग्रामीणों को लगातार लगा रहता है। ऐसे में अब ग्रामीणों की जिंदगी ही मजबूरी सी बनी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के ग्रामीण और उनके बच्चे अनेक तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, जहाँ बिना बिजली पानी के जीना मुश्किल सा हो जाता है। शिक्षा की बात की जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से वंचित रहना पड़ जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग आजादी के बाद भी गुलाम हैं। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे दम ही तोड़ना पड़ता है। यहाँ सही रास्ते तक नहीं है। जंगली जानवर कब इंसान की जान ले लें, इसका भी कोई भरोसा नहीं। मुझे समस्या तो यहाँ सारी है, किस तरह की? लाइट की है और स्कूल की है, सड़क की है, पक्के मकान नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल बाहर जाते हैं नदी पार करके, उनके लिए भी समस्या खड़ी। नदी में बच्चा बह गया, आते जाते समस्या ही समस्या है। शौचालय भी नहीं है जी, शौचालय के लिए बाहर जाते हैं जंगल में। तो वहाँ पर खतरा नहीं है? खतरा है, जानवर का सांप है, बिच्छू है, गुलदार है, हाथी है, सब चीज़ का खतरा है। एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है जो रास्ता सही है तो, नहीं तो रास्ता बंद है तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते। तो आपने इन तस्वीरों से देखा कि हजारा टोंगिया गांव कैसे भारत आजाद होने के इतने सालों बाद भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये सोचना लाजमी है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो ये है कि गांव कब असुविधाओं की जंजीरों से मुक्त होगा, यानी कब इस गांव का विकास होगा। इसकी जिम्मेदारी तो उन जिम्मेदारों की है जो ऐसे कई गाँवों की तरफ देखते भी नहीं है कि यहाँ विकास की कितनी आवश्यकता है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ऐसे ही पिछड़े कई गांवों में विकास होगा, या यूं ही ये ग्रामीण अपनी जिंदगी जीते जीते दम तोड़ देंगे। रुड़की से संवाददाता सलमान मलिक की रिपोर्ट।